स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज। देखो, इंटरनल एनर्जी अगर लिखना है तो एन सी वी इंटू टी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इतना है, और हम लोग जानते हैं कि सी वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ आर बाई टू। देयर फोर हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं एन इंटू एफ आर बाई टू इंटू टी। सो यू कैन बी रिटन एज एन एफ आर टी बाई टू। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो फॉर ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ओ टू यहाँ पे डायाटोमिक गैस है, तो इसके लिए जो डायाटोमिक गैस होगा उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, और इसका नंबर ऑफ मोल्स बोला था कि 4 लेना है, और टेम्परेचर तो टी ही था। तो यू फॉर ओ टू कितना हो जाएगा, 5 × 4, 25 × 4, 4 × 5 20 RT/2, जो हो जाएगा 10 RT। सिमिलरली आर्गन के लिए अगर लिखना हुआ तो फॉर आर्गन, आर्गन के लिए आर्गन चूंकि मोनोटॉमिक गैस है तो एफ का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 6 बोला था। यू फॉर आर्गन विल बी इक्वल टू एन इंटू एफ, 18 RT/2, तो ये हो जाएगा 9 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा था, दैट व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी टोटल हो जाएगा यू ओ टू प्लस यू आर्गन, तो 10 + 9 19 RT विल बी द फाइनल आंसर। तो 19 RT यहाँ पर टोटल सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ पे नेग्लेक्ट करना था वाइब्रेशनल मोड्स को, इसीलिए बस हम एफ का वैल्यू 5 और 3 लिए, 5 लिए डायटोमिक के लिए, 3 लिए मोनोएटोमिक के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन था उसका वैल्यूज पुट करके हमने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।